Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, if you have any problem regarding last class topics, you can ask me. अगर कल के uh, last class में जो भी हमने पढ़ाया था, पढ़ा था उसमें आपको कोई दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओके। no, okay. mm -hmm. तो आज हम शुरू करेंगे द सेक्रेट सेंटर। अब हाँ पहली चीज होती थी कैपिटल चूज करने की ठीक है हमने जैसा कल लास्ट uh, क्लास में भी आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि किस तरीके से तुंगा भद्र जो नदी है उसके किनारे पर माना जाता है लोकल ट्रेडिशन जो है उनका उस समय जो रहा है उसके अनुसार बोला गया है कि ये जो वहाँ की पहाड़ियां हैं वहाँ पर किसका किंगडम हुआ करता था बंदरों का किंगडम हुआ करता था जिनमें किन के नाम दिए गए वली और सुग्रीव जिनके बारे में हमने रामायण के अंदर भी पढ़ा है दूसरे सजेस्ट करते हैं कि देवी देवी जो की लोकल मदर गॉडेस थी थी वो पर उन पहाड़ों के अंदर क्या कर रही थी तपस्या कर रही थी किससे शादी करने के लिए वीरू पक्षा से शादी करने के लिए और वीरू पक्षा कौन थे वहाँ के गार्जियन डाइटी यानी कि वहाँ के देवता थे उस किंगडम के जिसको किन का स्वरूप के रूप में बोला गया किसका वो अवतार है शिव जी का वो अवतार है और इनकी जब शादी हुई है पंपा, देवी और पक्षा की उस उस दिन दिन को को शादी वाले दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ठीक है वीरूपक्षा टेम्पल के अंदर ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर माना जाता है कि पहले जैन टेम्पल भी हुआ करते थे विजयनगर नगर नगरा पीरियड से पहले दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एरिया जो है कई सारी पवित्र पाव, ट्रेडिशंस वाली जगह रही है यहाँ पे कई सारे ट्रेडिशंस फॉलो अप किए जाते थे अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपके सामने और क्लियर होगा वी नाउ मूव टू द रॉकी city एंड ऑफ banks ऑन द According ऑफ local tradition, अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन shelter हिल्स शेल्टर द मंकी किंगडम ऑफ वली एंड सुग्रीव the रामायण अब क्या है हम जब मूव करते हैं पथरीला जो नर्दन एरिया है सिटी का तुंगा भद्र नदी के किनारे तब हम हमें पता पड़ता है कि वहाँ का लोकल ट्रेडिशन जो रहा है उसके अनुसार यहाँ के पहाड़ों में पहाड़ों पर बंदरों का किंगडम हुआ करता था जो उन बंदरों के नाम है वली और सुग्रीम जिनके बारे में हमने रामायण में पढ़ा है अदर ट्रेडिशन सजेस्ट दैट पंपा देवी द लोकल मदर गॉडेस डिस्ट इन द इन दीज हिल्स इन ऑर्डर टू मेरी वीरू पक्षा द गार्जियन डायटी ऑफ द किंगडम ऑल्सो रिकॉगनाइज एज फॉर्म ऑफ शिवा दूसरे ट्रेडिशन के अनुसार पंपा देवी जो वहां की देवी रही है लोकल देवी रही है उन्होंने यहाँ पर पहाड़ियों में तपस्या करी है वीरू पक्षा से शादी करने के लिए जो खुद एक देवता है और इन दोनों की शादी का दिन जो है हर साल यहाँ पर एक फेस्टिवल के तौर सेलिब्रेट किया जाता है वीरूपक्षा टेम्पल के अंदर वीरूपक्षा प्री नगरा पीरियड एज वेल और इन्हीं पहाड़ियों में जैन टेम्पल भी आपको देखने को मिले हैं पहले के जमाने में जब ये विजयनगरा पीरियड शुरू नहीं हुआ था तब के इन अदर वर्ड्स दिस एरिया वॉज एसोसिएटेड विद सेवरल सीक्रेट ट्रेडिशंस दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एरिया कई सारे पवित्र ट्रेडिशन से भरपूर था जुड़ा हुआ था किसी को भी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अभी पूछ लीजिए फिर नहीं तो हम आगे बढ़े हम ओके oh, okay. अब जब पवित्र जगह है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर कई सारे टेंपल्स भी बनाए गए होंगे ठीक है कई सारी चीज़ें बनी होंगी यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कई सारी डायनेस्टीज रही हैं जिन्होंने यहाँ पर राज किया है जैसे कि पल्लव चालुक्यज हो चोलाज कई सारे रूलर्स रहे हैं जिन्होंने टेम्पल बनवाने के लिए क्या किया था अपने एफर्ट्स दिए थे अब ये लोग टेम्पल्स क्यों बनवाते थे ये जैसे कि हमने लास्ट हमारे भक्ति वाले चैप्टर में भी पढ़ा था उसमें भी लोग बागों का जो उस समय के रूलर्स रहे हैं उनका टेम्पल बनवाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने जुड़े हुए हैं भगवान से और भगवान ने अब ही हमें भेजा है आप लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए और ये इनके सबके अलग अलग थ्योरीज हुआ करती थी यहाँ पर विजयनगर वाले लोग जो हैं जो रूलर्स रहे हैं उनकी थ्योरी ये रही है कि हमें भगवान ने भेजा है इस एरिया के ऊपर राज करने के लिए इसलिए मंदिर बनवाते थे ठीक है दूसरे लोगों की थ्योरी ये भी रहती थी कि वो विश्वास जीतना चाहते थे किसी एक पर्टिकुलर कल्ट किसी पर्टिकुलर ट्राइब का तो वो लोग उनके जो भगवान हुआ करते थे उन्हीं से जोड़ करके आ, मंदिर बनवा देते थे या फिर मॉस्क बनवाते थे या दरगाह का निर्माण करवाते थे इस तरह की चीजें होती थी अलग अलग एरियाज के अंदर मंदिर बनवाने की जो एक उद्देश्य होता था और कुछ जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे बड़े बड़े ज़मीनें देते थे इस तरह की चीजों को बनवाने के लिए एक दिखावे के तौर पे आप समझ सकते हैं उस चीज को कि उनका मेन उद्देश्य रहता था कि हम कितने पैसे वाले हैं कि हम आर्ट कल्चर और इस तरह की चीजों को दर्शाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है ये इनके कुछ मोटिव्स रहते थे मंदिर बनवाने के पीछे अब इनको मेंटेन करने के लिए भी ये लोग पैसे देते थे या जो भी इनसे बन पड़ता था या जो भी उस चीज़ उस ज़माने में मांगा जाता था वो मंदिरों को मेंटेन करने के लिए वो रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करवाते थे ये एक बहुत ही अच्छा सेंटर के तौर पे देखा जाता था ये मंदिर वगैरह जो बनवाते थे ये उस चीज को कैसे धार्मिक सामाजिक कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर्स के तौर पे देखा जाता था जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि दरगाह जो बनाई जाती थी वहाँ पर वो लोग बाकी मैटर्स को भी डिस्कस करते थे भले ही वो समाज से जुड़े हों उनके ट्रेड और इकोनॉमिक सेंटर्स के तौर पे देखे जाते थे वो पर ये चीज़ हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है वही यहाँ पे भी मेंशन की गई है अब रूलर्स जो होते थे वो बनवाते थे रिपेयर करवाते थे मेंटेन करवाते थे टेंपल्स को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों होती थी क्योंकि ये अपनी पार वेल्थ और पायटी यानी कि धार्मिक धर्म से कितने जुड़े हुए हैं ये चीज़ दिखाने के लिए लोग करते थे अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे टेम्पल बिल्डिंग इन द रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री going back to the dynasty such as the pallavas chalukyas hoysalas and cholas मंदिर बनवाने का मंदिर निर्माण करना इतिहास के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है कुछ डायनेस्टीज से जोड़ करके जैसे कि पल्लवास चालुक्यास होसालास और चोलास रूलर्स वेरी ऑफन एनकरेज टेंपल बिल्डिंग एज अ मींस ऑफ एसोसिएटिंग दमसेल्व विद द डिवाइन ऑफन द डाइटी वॉज एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली विद किंग रूलर्स अक्सर मंदिर बनवाना मंदिर का निर्माण करवाना को इनक्रेज करते थे यानी प्रोत्साहन देते थे अब क्यों देते थे वो अपने आप को जोड़ करके देखते थे कि हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और अक्सर वो जोड़ करके देते थे भगवान से खुद को ठीक है एक्सप्लिसिटली यानी डायरेक्टली या इम्प्लिसिटली या इनडायरेक्टली वो अपना एक Uh, uh, अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे कि भगवान के बाद में हम जो है हमें भगवान ने भेजा और उनके बाद में हमारा स्थान आता है कि हम इस राज्य के ऊपर uh, शासन करें टेम्पल्स ऑल्सो फंक्शंस एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग अब ये मंदिर जो होते थे ये किस तरीके का काम करते थे ये मंदिर एक सेंटर के तौर पे भी देखे जाते थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी दूसरे वो क्या करते थे जमीने दिया करते थे और रिसोर्सिस प्रोवाइड कराते थे इस तरह के मंदिरों को मेन्टेन करने के लिए Consequently temples developed as significant religious, social, cultural, and economic centers. सेंटर्स और धीरे धीरे ये टेम्पल जो है किस तरीके के centers के तौर develop होने लगे religious, social, cultural और economic centers के तौर पर develop होने लगे अब आपको अगर आप कभी किसी बड़े मंदिर के अंदर गए हों आपने देखा होगा मंदिर परिसर जो होता है वो तो होता ही है साथ ही साथ उसके अलावा आपको आ, कुछ हॉल मिल जाएंगे या कुछ रूम्स मिल जाएंगे जहाँ पर वहाँ पर डायरेक्टर्स जो होते हैं या उस एरिया के जो ट्रस्टी होते हैं मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं वो लोग बैठ कर के मीटिंग करते हैं और हॉलों के अंदर आपको हॉल किराए पर भी मिलेंगे जहाँ पर आप अपने धर्म धर्म से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स करवा सकते हैं या हमारी जो सभाएं होती हैं वो सब करवा सकते हैं तो उसी तरीके से ये जो उस ज़माने से चली आ रही हैं चीज़ें ये टेंपल्स जो हैं उस तरीके से धार्मिक सामाजिक कल्चरल इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर देखे जाते थे वहां पर उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी कहीं ना कहीं आपको मंदिरों में ये होता है ऐसे छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं उनमें ये आपको देखने को नहीं मिलेगी जिनके पास ज़्यादा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग रिपेयरिंग एंड मेनिंग टेम्पल्स इम्पोर्टेंट विनिंग सपोर्ट एंड रिकॉगनेशन फॉर वेल्थ एंड पायर्टी अब रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़े बड़े मंदिर बनवाना उनको रिपेयर करवाना और मेंटेन करवाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए कि हम पावरफुल हैं हम वेल्दी हैं और हम धार्मिक भी हैं ये दिखाने के लिए इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं नो मैं मैं क्लियर है सबको तो फिर आगे बढ़ते हैं yes, अब ये नगरा जो है अधिकतर यहां पे आपको पक्षा और पंपा देवी के श्राइन्स देखने को मिलेंगे ठीक है वहां से इंस्पिरेशन लेकर के ही ये लोग थोड़े से आ, होता है ना जैसे कि आपको मैं आज के एक जमाने से एग्जांपल दूं तो आपको साई बाबा जो हैं उनके मंदिर आपको नासिक के अंदर बहुत सारे देखने को मिलेंगे और आपको फ्रीक्वेंटली एक एरिया के हिसाब से आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और वहीं अगर आप हमारे राजस्थान के अंदर देखेंगे तो इतने आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो कुछ कुछ जगह पर जो जो वहां पर भगवान हुए हैं उनके इंफ्लुएंस होकर के ही वहां पर अधिकतर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर पक्ष और पंपा देवी के जो श्राइन्स हैं वो इंस्पायर इंस्पिरेशन के तौर पर देखे जाते थे उस जमाने में और विजयनगरा क्लेम्स जो है उनको ये जो विजयनगरा के राजा जो होते थे वो ये भी बोलते थे कि हमें तो भगवान ने ही भेजा है यहाँ पर इस तरीके की रूल करने के लिए कि भगवान के बिहाफ पर हमें यहाँ पर शासन करने के लिए भेजा है ये कुछ विजयनगरा किंग्स की सोच थी और बाकी रॉयल ऑर्डर्स जो थे वो श्री वीरूपक्षा के तौर पर साइन किए जाते थे और इनके अधिकतर ये जो ऑर्डर्स हुआ करते थे ना रॉयल ऑर्डर्स वो कन्नड़ में लिखा जाते था कन्नड़ क्योंकि इनके वहाँ की लैंग्वेज थी लोकल तो उसी में ये लोग करते थे रूलर्स जो हैं वो अपना बहुत ही क्लोज लिंक जो है भगवान से दिखाया करते थे और वो अपने आप को हिंदू सूरत राना की तरह बोलते थे उन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिया था इस तरीके का कि हमारा भगवान से खास नाता है और हम जुड़े हुए हैं और हम हिंदू सूरत राना है जिसका मतलब संस्कृतराइजेशन किया गया था इस शब्द का एक अरबी टर्म थी सुल्तान ठीक है जिसका मतलब होता है राजा और इन लोगों ने हिंदू सुल्तान की तरह समझ लिया था इस हिंदू सूरत राना को ठीक है एक तरीके से इन्होंने अपनी ही एक टर्म दे दी थी अब हम इसको लाइन टू तो लाइन पढ़ेंगे It is likely that the very choice of the site of Vijayanagara was inspired by the existence of the shrines of Virupaksha and Pampa Devi. ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि Vijayanagara के जो अधिकतर sites थे यानी कि अलग अधिकतर वहाँ के जो temples थे वो Virupaksha और Pampa Devi से inspired थे. In fact, the Vijayanagara kings claimed to rule on behalf of the god Virupaksha. और इसके अलावा वीरू जो विजय नगरा के राजा लोग थे उनका कहना यह था कि हमें भगवान वीरूपक्षा ने भेजा है कि मेरे बिहाव पे तुम राज करो इस एरिया पे ने पक्ष पक्ष ही भेजा है कि मेरे बिहाफ पर तुम इस राज्य पे रूल करो इसीलिए वहाँ पे कोई भी अगर रॉयल कानून लाया जाता था तो उसके नीचे श्री वीरू पक्षा के नाम का सिग्नेचर किया जाता था कन्नड़ के अंदर ठीक है अब क्या है जैसे कि हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो Uh, तो है, है? तो क्ष रीजन मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि वहां के राजा लोगों की सोच ये थी कि हमें विरूपक्ष भगवान ने भेजा है आपके ऊपर रूल uh, करने के लिए उनके बिहाफ पे रूलर्स ऑल्सो इंडिकेटेड लिंक

इस पैराग्राफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है ये तो पूछिए नो मैम। ओके। इट इज क्लियर ओके अब पहले की जो ट्रेडिशंस रहे हैं वो काफी इनोवेटिव और डेवलप्ड रहे हैं कई बार जो है रॉयल पोर्ट्रेट जो है वो एक तरीके से क्या होता था उनको दिखाया जाता था यानी कि आपको जैसा मैंने हर बार बोला है एक ही लाइन में बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये राजा लोग टेम्पल्स बनवाते थे अपना एक डिस्प्ले दिखाने के लिए कि हम कितने रिच हैं कि हम कितने भगवान के नज़दीक हैं या हम भगवान ने हमको भेजा आपके ऊपर रूल करने के लिए सब इनका दिखावे और डिस्प्ले मट के लिए करते थे उसी तरीके से ये जब पोर्ट्रे करते थे स्कल्पचर रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर जो होता था उसको भी टेंपल से जोड़ के लिखा जाता था जैसे कि किंग के विजिट हुई टेंपल्स में तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन के तौर पर माना जाता था कि भाई हमारे राजा जो है वो आ रहे हैं मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए तो उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन की तरह मानते थे इम्पोर्टेंस देते थे और कई बार क्या होता था राजा के साथ में उनके नायकार्स जो हैं वो भी आते थे उनको उनके साथ में पूजा अर्चना करने के लिए अब इसको पढ़ते हैं इवन एज ऑन ऑनलिया ट्रेडिशंस द रूलर्स ऑफ विजयनगरा इनोवेटेड एंड डेवलप दीज कई सारे पहले के ट्रेडिशन्स जो हैं जैसे हमने पढ़े वो राजा लोगों के द्वारा ही अपनी तरफ से डेवलप किए गए थे और इनोवेट किए गए थे

जो राजा आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए नायक के साथ में उस आने को ही विजिट करने को ही बहुत बड़ा ओकेजन के तौर पर ये लोग मना करते थे अब इसको अगर आप प्रेजेंट प्रेजेंट डे लाइफ से रिलेट करो तो अगर अपने <coughs> जैसे आपने कोई जयपुर देखा हो जयपुर के अंदर बिरला टेम्पल है तो वहां पर जिन्होंने बिरला टेम्पल बनवाया है उनका भी कहीं ना कहीं आपको स्कल्पचर या कहीं ना कहीं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और इसके अलावा अगर आपने स्कॉन टेम्पल सुना हो तो जिन्होंने इसकॉन टेंपल की शुरुआत करी है उनका पोर्ट्रे भी या उनका आपको मूर्ति देखने को मिलेगी पर पर्टिकुलर उनका एक एरिया बना हुआ होता है मंदिरों के अंदर जहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती कि ये रहे हैं हमारे गुरु और इन्होंने इस चीज़ का इस फाउंडेशन का शुरुआत करी है या इन्होंने इस टेम्पल की शुरुआत करी है इसकी नींव रखी है इस तरीके से जिस जैसे कि आज के ज़माने में इंपॉर्टेंस दी जाती है उस ज़माने में भी राजा के पोट्रेज रखे जाते थे समझ में आया यस क्लियर ओके यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है एरियल व्यू दिया गया है वीरू पक्षा टेम्पल का एरियल व्यू मतलब कि ऊपर से या तो ड्रोन या हेलीकॉप्टर उसकी मदद मतलब से जो ऊंचाई से फोटो ली गई है उसके लिए बोला गया है एरियल व्यू अब है गोपुराम्स और मंडप्स अब ये क्या होता था मंदिर जो बनते थे वो कई सारी उसके अंदर सुंदर नक्काशी होती थी कई सारी कलाकारी होती थी, अलग अलग आ, इनका स्ट्रक्चर हुआ करता था कुछ जो है आ, पिलर्स बनाए जाते थे जैसा हमने पहले भी पढ़ा था एक चीज के बारे में महानवमी मा, करके जो एक पर्टिकुलर जगह बताई गई थी हॉल बताया गया था वहाँ पे वुडन वर्क हुआ करता था लकड़ियों के काम पे लकड़ियों के पिलर्स हुआ करते थे उसी तरीके से ये जो इन्होंने मंदिर बनवाए हैं उनका भी अलग अलग स्ट्रक्चर हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर्स वर इन एविडेंस अब टेम्पल आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग फीचर्स जो हैं उसके सबूत मिले हैं इस पीरियड में दीज इंक्लूडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इमेल स्केल दैट मस्ट हैव बीन अ मार्क ऑफ इम्पीरियल ऑथोरिटी बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द राया गोपुर और रॉयल गेट दैट ऑफ इन द टार्स ऑन द सेंट्रल श्राइन और एंड सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस अब ये जो यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं गोपुर राम राया के द्वारा ठीक है वो क्या थे बहुत बड़े लेवल पे बनते थे यानी बहुत ऊंचे मंदिर बनते थे इतने ऊंचे बनाए जाते थे कि आपको दूर से देखने मतलब काफी दूर से देखने को मिल जाए इस तरह के बनाए जाते थे जो टार्स थे उस तरीके के बनते थे उधर ठीक है और मंदिर की जो प्रेजेंस है आपको काफ़ी दूर से ही समझ आ जा जाती थी और ये क्या मार्क करते थे कि इम्पीरियल अथॉरिटी की बहुत बड़ी आधिकारिक उसके तौर पर बनाई गई है यानी बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है ठीक है वहाँ पे एक तरीके से ये इतने बड़े बड़े मंदिर इसलिए भी बनाए जाते थे कि भाई लोगों के दिमाग में ये चीज रहे कि भाई पार्क इसके पास में राजा के पास में ही है ठीक है और उसी के पास में हाँ कह के वो कमांड भी दे सके हर चीज का पार जो है वो दिखाई जाती थी एक राजा के तौर पे कि राजा ने इतना बड़ा मंदिर बनवा कि वाकई में बहुत बड़ा आदमी है ये जैसे अपन आज के जमाने में बोलते हैं ना कोई भी बड़ी बिल्डिंग या कोई बड़ा बिजनेस वेंचर शुरू करता है तो अपने दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है कि अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाइए कितने पैसे वाला और कितना पावरफुल आदमी रहा होगा ये भले ही वो किसी का घर हो या किसी का एक प्रॉपर बिल्डिंग हो ऑफिस बिल्डिंग हो या कुछ भी हो ठीक है तो ये कॉमन चीज है हमारे सबके दिमाग में हम एकदम से जजमेंट यही पास करते हैं कि ये ऑब्वियसली काफी पावरफुल रहा होगा उसी तरीके से उस जमाने में जो मंदिर बनाए जाते थे वो भी राजा की पावर को दिखाने के लिए होते थे अब कई सारे इसमें फीचर्स होते थे जिनमें हम पढ़ेंगे मंडप्स के बारे में यानी पवेलियन जो होते थे वहां पर बड़े बड़े अरिडोर्स होते थे ठीक है लंबे जहाँ पे पिलर्स भी लगाए जाते थे और वो मंदिर श्राइन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने कोई पुराना मंदिर देखा हो तो उसमें आपको कई सारे पिलर्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि मंदिर जो जो है अधिकतर स्तंभ होते हैं उन उनपे ही खड़े होते थे ठीक है दो तरह के आपको यहाँ पे टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे वीरूपक्षा टेम्पल और विठला टेम्पल अब वीरू पक्षा टेम्पल जो है वो काफी सेंचुरी पहले बनाए गए थे और नाइन टेंथ सेंचुरी के अंदर ये बनाए गए थे और ये बहुत बड़ा स्टेब्लिशमेंट uh, था विजयनगर एम्पायर के अंदर यहाँ पे हॉल था और ये हॉल किसके द्वारा बनाया गया था मतलब जो मेन मंदिर होता था उसके अंदर हॉल भी ऐड कर दिए थे उन्होंने और वो बनाए थे कृष्णदेव राय ने ठीक है जब ये राज कर रहे थे उस एरिया पे तब और वो जो हॉल बनाया जाता था उसको डेकोरेट किया जाता था बहुत ही सुंदर पिलर से पिलर्स एजन ये आपके सामने एक पिक्चर है सेवन पॉइंट टू थ्री यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिंपली यहाँ पर पिलर्स नहीं बने हुए पिलर्स के ऊपर अच्छी-अच्छी नक्काशी भी की गई है कई सारे अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया हुआ है इसी के नीचे कि, कि किस तरीके से एक पिलर को डेकोरेट किया जाता है तो इस तरह की चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे मंडप के अंदर वो हम पढ़ेंगे कल ठीक है आज हमने जितना भी पढ़ा है अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आए तो कल आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करके रखेंगे और हम आपकी प्रॉब्लम्स को कल सॉल्व कर देंगे ठीक है ओके ओके मैम 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 थैंक 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 यू 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 वेलकम